विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन द्वारा उन्हें चुनाव हरा दिया गया दो बार और उन्होंने लगातार 10 साल ग्वालियरपुर क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर समय समय पर प्रशासन की नींद उड़ाने का काम इस गरीब जनता के लिए किया है। साथियों, हमारी ऐसे व्यक्तित्व के लिए यहाँ पर निकलते हुए हैं जिन्होंने चाहे वो नागा चंदवानी हो या हमारी सिंधिया नगर हो या हमारी फूटी कॉलोनी हो, हमेशा गरीबों की आवाज बनकर प्रशासन की नींद उड़ाने का काम किया है। साथियों, एक तरह भारतीय जनता पार्टी है, हर बार झूठ बोलकर और युवाओं को झूठे बाने कर एक नया प्रत्याशी लेकर आती है और हमारी क्षेत्र की जनता को बेला फुसला कर वोट ले लेती है। साथियों, 2013 के चुनाव में इस विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा युवा मतदाता थे और उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के नाम पर इस क्षेत्र के युवाओं का वोट ले लिया। मैं पूछना चाहता हूँ युवा साथियों से कि आपको रोजगार मिला? मैं पूछना चाहता हूँ माता बहनों से, जो 600 रुपए का सिलेंडर था आज वो 1100 रुपए का हो गया, जो पेट्रोल 65 रुपए हुआ करती थी वो 95 रुपए लीटर हो गई, जो डीजल 55-60 रुपए होता था वो 70-80 रुपए हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कतनी है। मैं युवा साथियों से निवेदन अनुरोध करता हूँ कि साथियों, 28 तारीख को जब मतदान करने जाए तो रोजगार को याद करें। साथियों, बेरोजगारी को याद करें और मध्य प्रदेश में बहुचर्चित घोटाला व्यापम घोटाले को जरूर याद करें, जो पूरे देश के अंदर शिवराज सिंह घोटाले के नाम से जाना जाता है। साथियों, परसों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं भाषण सुन रहा था, वो बोल रहे थे